इन दिनों दिल्ली के राजनीतिक हलकों में एक बात की बेहद चर्चा है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग द्वारा सोनिया और राहुल गांधी को 100 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है और इसका आधार यह है कि उन्होंने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की कमाई कम बताई। जी हाँ, 2011-12 में कमाई लगभग 150 करोड़ के रुपये के आसपास थी। राहुल गांधी ने इस दौरान जो आयकर भरा उसमें 68,12,000 रुपये की कमाई दिखाई थी, जबकि इसी तरह सोनिया गांधी पर भी इसी तरह का आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एसोसिएटेड जनरल्स पर 141 करोड़ रुपए बचाने का आरोप लग रहा है। उल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला इन दिनों कोर्ट में भी चल रहा है। पता चला है कि आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस में यह कहा गया है कि उन्होंने अपनी कमाई कम बताई है, इसलिए 100 करोड़ रुपये वे जमा कराएं। आयकर के नोटिस में यह भी कहा गया है कि सोनिया राहुल ने 300 करोड़ रुपए की कमाई आयकर रिटर्न में नहीं दिखाई है और मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। विभाग का यह दावा है कि जांच में बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार के शेयरों के लेन देन से जो कमाई हुई है उसका आयकर ठीक से नहीं भरा गया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।